हाथरस के थाना सैपू पुलिस एवं एसओजी टीम द्वारा मात्र 48 घंटे में सरिया लूट की घटना का खुलासा किया। साथ ही घटना में शामिल तीन लुटेरों को भी गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से लूटा गया 12 टन सरिया। घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो कार, एक ट्रक एवं अवैध असला कारतूस बरामद किए। आपको बता दें कि थाना सैपू पर तीरजवीर द्वारा तहरीर के माध्यम से सूचना दी कि मेरा ट्रक सरिया लोड कर सप्लाई हेतु अलीगढ़ से फरुखाबाद जा रहा था। तभी ट्रक ड्राइवर द्वारा बताया गया कि क्वारसी बाईपास अलीगढ़ के पास काली स्कॉर्पियो सवार कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा ट्रक पर चढ़कर उसको बंधक बना लिया गया तथा रास्ते में ट्रक से सरिया उतारकर उसको बंधा हुआ थाना सैपू क्षेत्र में छोड़ गए। तहरीर के आधार पर थाना सैपू पर सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत किया गया था, जिसके बाद थाना सैपू पुलिस व सोजी टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही कर मात्र 48 घंटे में ट्रक ड्राइवर को बंधक बनाकर सरिया लूट की हुई घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में शामिल तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। वही पुलिस अधीक्षक हाथरस द्वारा पुलिस टीम को उनके सराहनीय कार्य के लिए उत्साहवर्धन हेतु 25,000 रूपए के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हाथरस के थाना सहपौ पुलिस एवं एसओजी टीम द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए एक सरिया लूट की घटना का 48 घंटे के भीतर सफल अनावरण किया गया है। करीब 3 दिन पूर्व जनपद अलीगढ़ के क्वारसी बाईपास रोड पे अज्ञात बदमाशों द्वारा एक सरिया लदे ट्रक पर सवार होकर ट्रक ड्राइवर को बंधक बनाते हुए सरिया लूट लिया गया था तथा लावारिस हालत में ट्रक एवं ड्राइवर को थाना सैपौ क्षेत्र में छोड़कर भाग गए थे। इस संबंध में वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना सैपऊ द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। मेरे द्वारा इस घटना के शीघ्र अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया था। थाना सैपऊ पुलिस एवं एसओजी टीम के अथक प्रयास से उपरांत 48 घंटे के भीतर घटना का सफल अनावरण किया गया तथा तीन लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से कुल लूटा हुआ 12 टन सरिया पुलिस ने बरामद किया है। इसके अतिरिक्त घटना में प्रयुक्त एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो तथा एक ट्रक भी पुलिस ने इनके कब्जे से बरामद किया है। इसके अतिरिक्त 3 अवैध तमंचे एवं जिंदा कारतूस भी इन अभियुक्तों को कब्जे से बरामद हुआ है। पूछताछ में जानकारी प्राप्त हुई है, गिरफ्तार 3 लुटेरों में से 2 का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है और लूट के मुकदमे में ये जनपद अलीगढ़ से जेल जा चुके हैं। इन तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना सैपऊ पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मेरे द्वारा उक्त सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए के नगद पुरस्कार से प्रोत्साहित किया जाएगा।